आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सिस्टम ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ एफ वन एफ टू, वॉट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज सो दैट रेज आफ्टर रिफ्रेक्शन फ्रॉम बोथ लेंसेज पासेस पैरेलल टू, मतलब फाइनल इमेज भी जो है वो कहां बननी चाहिए, वो इनफाइनाइट पे ही बननी चाहिए। देखो इनफाइनाइट पे बने उसके लिए क्या कंडीशन जरूरी है कि फाइनल तुमको पता चला कि भाई लाइट रेज ऐसे जानी चाहिए, तो ये कब हो पाएगा, जब वो लाइट रेज कहां से आ रही होंगी, इसके फोकस से आ रही होंगी, दूसरे लेंस के फोकस से आती होंगी, तभी तो ऐसा होगा, अदरवाइज थोड़ी वो पैरेलल जा सकती। तो यानी कि ये लेंथ तुमको पता है एफ टू लेंथ के बराबर। सिमिलर वे में अगर उधर से पैरेलल आ रही है तो लाइट रेज को क्या करना पड़ेगा, इधर आकर के लाइट रेज को मजबूरी में अपने फोकस पे मिलना पड़ेगा, तभी ऐसा संभव है भाई। तो यानी कि ये जो लाइट रेज है ये इसके फोकस पे मिलती है, यानी कि कहाँ आना चाहिए, एफ वन पे आना चाहिए, है ना। तो ये जो बीच की जो दूरी आ गई वो कितनी आ गई, डिस्टेंस बिटवीन देम वो कितनी आ गई है, एफ वन प्लस एफ टू। इसको चाहो तो ऐसे एज अ फॉर्मूला भी हम लोग बच्चों को बता सकते हैं, एफ वन एफ टू चाहे कन्वर्जिंग लेंस हो चाहे डाइवर्जिंग लेंस हो, ये फॉर्मूला काम करता है, डायरेक्टली लिख सकते हैं, है ना। अगर इसकी जगह मान लो कि एक डाइवर्जिंग लेंस होता तो भी हम लोग एफ टू को नेगेटिव करके वहां डी निकाल सकते हैं, है ना। बस गिवन ये है कि डी हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, अगर डी पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो मतलब वो केस पॉसिबल ही नहीं है ना, वो इनफाइनाइट कभी बना ही नहीं सकता था। चलो इसी क्वेश्चन को तो खत्म करें पहले पर। तो F1 plus F2, F1 दे रखा है 20, F2 दे रखा है 10, तो 20 plus 10 कितना आ गया है 30 सेंटीमीटर। तो 26th क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए बी।